खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। बड़ी खबर ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र से जेल चौराहे से सामने आ रही है, जहां मारुति ओमनी वैन कार में गैस रिफिलिंग करते समय अचानक आग पकड़ जाने से धू धू कर जलने लगी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी तत्काल समय गवाए मात्र चंद मिनटों में ही घटनास्थल पर पहुंची और धू धू कर जल रही मारुति वैन में लगी आग पर काबू पाया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रेखवार की पूरी रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक द्वारा जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज शहर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में एक अवैध शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए उप निरीक्षक साबिर अली सहित थाना शहर कोतवाली पुलिस बल ने दबिश के दौरान तीनों अभियुक्त गढ़ों के कब्जे से 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। शहर कोतवाली क्षेत्र में लगातार शराब के खिलाफ चल रहे अभियान से अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेखवार की रिपोर्ट। ललितपुर सदर पुलिस क्षेत्र अधिकारी फूलचंद एवं शहर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने आज शहर के सहारिया बस्ती ग्राम रोड़ा में लगातार ठंड के प्रकोप को बढ़ते हुए शहरी या बस्ती के लोगों को कंबल बांटे एवं वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए स्लेट और चौक तथा टॉफी बिस्कुट आदि वितरित किए एवं कच्चे मकानों में अपना गुजर बसर कर रहे बुजुर्गों को ठंड से बचाव के लिए कंबल उड़ाकर उनका सम्मान किया और वहां बच्चों से खूब पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करने की बात बच्चों से कही। उन्होंने बताया कि बच्चे देश का भविष्य है। जयपाल की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तहसील महरौनी एवं तहसील मंडावरा क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक सदर मनीष कुमार तथा आबकारी निरीक्षक महरौनी ईश्वर दत्त तिवारी ने महरौनी के पठा विजयपुरा तहसील मंडावरा में रनगांव तिसगरा मंडी के पीछे कबूतरा डेरा पर आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश दी। दबिश के दौरान 44 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में थाना महरौनी और थाना मंडावरा में कुल 3 अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। इस दौरान SI अभयपाल सिंह मौके पर मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा अंतर्गत इकौना गांव में रोमांचक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जय बजरंग क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 24वां टूर्नामेंट परम बाबा स्टेडियम में आयोजित टूर्नामेंट का बुधवार को उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह उर्फ रजव राजा, शेर सिंह राजा, नीरज राजा, ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह, पंकू कुशवाहा। उद्बोधन में मुख्य अतिथियों ने कहा कि खेल जीवन का हिस्सा है, सभी को आपस में भाईचारे के साथ मिलकर खेलना चाहिए, खेल से आपसी मधुर संबंध बनते हैं। पहला उद्घाटन में प्रिंस क्रिकेट क्लब भीकमपुर एवं तिसगना क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया। मुख्य अतिथियों द्वारा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए राष्ट्रीय गाना के साथ आयोजित किया गया। दोनों टीमों के बीच एम्पायर द्वारा टॉस हुआ, जिसमें तिसगना ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए जमकर बल्लेबाजी करते हुए 124 रनों का लक्ष्य रखते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं प्रतिद्वंदी भीकमपुर टीम ने 8 विकेट पर जीत कर ली। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। ये मामला ललितपुर जिले के तालबेड़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खांदी का है, जहां विगत दिनों गांव में एक राय होकर दबंगों ने एक परिवार पर जमकर ढाया कहर था, जिसमें उन्होंने पीड़ित पक्ष के महिलाओं बच्चों को भी नहीं बख्शा था तथा उनके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई।
एवं घर के बाहर काफी पथराव किया और रात भर तांडव मचाए रखा, जिसको लेकर परिजन सदमे में। इस पूरी घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तालभेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से झांसी मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया था, जहां आज उपचार के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई है। तो वह इस घटना का गांव में दबंगों के कहर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें सारी रात गंदी गंदी गालियों के साथ पीड़ित परिजनों को धमकाया जा रहा है और उनके मकान पर पत्थरों और बोल्टर खंडों द्वारा गांव के दबंगों द्वारा हमला किया जा रहा है तथा उन्हें धमकाया जा रहा है, जिसको लेकर गांव में तनाव का माहौल और पीड़ित परिजन काफी सदमे में है, जिसको लेकर थाना तालभेट पुलिस की बिलमुल कार्रवाई से पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर डेरा डाला और पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा से गुहार लगाते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, जिससे कि वह गांव में रह सकें। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार के साथ तालबेहट से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। तालबेहट खांडी से घाट से आए हैं, मनोहर लाल कुशवाहा नाम है मेरा, और थोड़ा जमीन की मामला आता वो सिविल कोर्ट में लगा हुआ था और सिविल कोर्ट से पिताजी हमारे दुकान के बाहर बैठे थे, इसलिए लोगों ने आए और गाली गलौज की और गाली गलौज करके हमला कर दिया है। कितने लोग थे? लोग ये कम से कम 40-50 लोग थे, बहुत थे, मतलब 50-60 के आसपास थे ज़्यादा आदमी लोग, हमला कर दिया। हम लोग अंदर थे, बाहर आए तो देखे पिताजी गंभीर रूप से, तो हमने बीच बचाव किया तो हमारा भाई का हाथ टूट गया है, मेरे लड़का का हाथ टूट गया, मेरी वाइफ का हाथ टूट गया है, मम्मी का हाथ टूट गया है, बच्चों को भी चोट आई, बच्चों को भी चोट गया, एक बच्ची छोटी सी बच्चा है जो मतलब गाय, उसका भी पैर टूट गया है। तो क्या पथराव हुआ था? पथराव हुआ था और पत्थर हुआ था और उन्होंने तो कोने क्या क्या किया था, और पिताजी के इतना गंभीर रूप से घायल है कि वो अभी झांसी भर्ती है। कैसी हालत है उनकी? बहुत गंभीर रूप से घायल है, और जो विपक्षी पार्टी है उनका कोई सुनाई नहीं, पुलिस ने की है ना किसी ने की है, और बहाना करते कल गए थे, बहाना करते कल लेंगे जी ऐसा होगा या ऊसा होगा, और भगा दी थी। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की है हमने। फिर आज आप कहाँ आए हैं? हम कप्तान साहब के पास आए हैं। अभी कप्तान साहब ने मिले हैं क्या? अभी तो मिला है, अभी तो कोई नहीं मिला, उनने जहाँ शिकायत पत्र दिया है वहाँ ने कही कि साहब आ रहे हैं बैठो थोड़ी। जब आपकी दादा बैठे थे बाहर, उधर से आए वे लोग सब ने मारने के लिए, हम लोग सब ले गए तो सब ने पत्थर मारे ढूरन में, सब में घले बच्चा में मोड़ी मुड़न में सब रे घायल हैं, घर से बाहर नहीं निकलन दे रहे, पेशाब कर भी परेशान हो रहा, जा नहीं पा रहे, मिलिट्री वाले कहीं घेर गए पूरे चारों तरफ से, कहीं नहीं निकल पा रहे, मैं तो नहाए चाने नहाए धोनी हमें तो ही मर रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, नहीं हम आत्महत्या कर रहे हैं, हम कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चा लेकर हम निकल नहीं पा रहे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे। कहाँ से आई हैं? खांडी खाँच मंजरा खाँच। क्या समस्या लेकर? समस्या है हमारे डोकरा बैठी थी बाहर, ऐसे भी तीन फलटा मार गए लोहा के, से हम दौरी बचावे के लिए। इन लोगों ने की मार? कन्नू ने, तिरवरी ने, संजू ने। कितने लोगों के साथ की है? हम पांच लोग हटे सब सब रंग की। किस बात को लेकर हुआ था झगड़ा? तब जगह के मामला में और कोर्ट में हटो सब, तब भी नहीं मान रहे थे। अच्छा, तो आपने उसकी शिकायत कहाँ कहाँ की थी? हमारी तालवेट में हती और ललितपुर में हती। क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं भाई, हम तो आए ललितपुर आए एस पी के साहब नहाए मांग रही आए हैं। ललितपुर में पुरानी पेंशन बहाली को शिक्षकों ने बीआरसी कार्यालय जखौरा में किया धरना प्रदर्शन और कहा कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली के बैनर तले उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर एवं जिलाध्यक्ष विनोद निरंजन एवं जिला मंत्री शकुंतला कुशवाहा के निर्देशन में ब्लॉक जखौरा में ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र जैन के मार्गदर्शन में ब्लॉक इकाई के पदाधिकारियों सहित शिक्षक शिक्षिकाओं शिक्षा मित्रों अनुदेशकों ने बीआरसी कार्यालय जखौरा पर एकत्रित होकर शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ललितपुर जिला उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी अधिकारी को सौंपा। मंडी समिति द्वारा बाहर व्यापार कर रहे व्यापारियों पर मंडी लाइसेंस एवं मंडी शुल्क पुनः लागू कर दिया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने 8 जून 2020 को एक अध्यादेश जारी करके मंडी से बाहर व्यापार कर रहे व्यापारियों पर मंडी शुल्क समाप्त करते हुए
लाइसेंस की अनिवार्यता को मुक्त कर दिया था। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के गांधी नगर निवासी विमला जैन ने ललितपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके देवर देवरानी ने उसके पति को बहला फुजलाकर अब वह हमें खाने तक को नहीं दे रहे, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, बताओ अब हम कहां जाएं। जी क्या नाम है आपका, कहां से आए हो, क्या विमला जैन है, नई बस्ती गांधी नगर 355 मकान नंबर श्री पवन कुमार जैन हमारे पति है और अरुण कुमार देवर है, आरती देवरानी है। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि अरुण आदि ने हमारे पति को बहला फुसला लिया है, हम मुझे इतना परेशान दे रहा है, आए दिन मारपीट करता है, खाना नहीं खाने देता है, जो अपन ऑटो पीसते हैं उस चक्की का आधे निकाल सामान निकाल लिया था, से हम ऑटो पीस के भी नहीं खा पा रहे हैं, दो दिन से हम भूखे हैं। हमारे कोर्ट में एक केस चलाया था तो जज साहब छुट्टी पे है, कोई न्याय नहीं हो रहा है। आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? हमने एसपी साहब ने की, एक साल से हम बराबर प्रार्थना पत्र दे रहे, 10 प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। आज कहाँ आई हैं? आज हमें यहाँ पर न्यायालय पे आए थे, आज हम डीएम साहब के लिए न्याय के लिए आए। ललितपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर एक पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि कुछ माह पूर्व उसने नसबंदी कराई थी जो कि फेल हो गई है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी की लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, हम सभी जगह शिकायत करते करते परेशान हो चुके हैं। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? क्या समस्या लेकर आई है? ऑपरेशन नसबंदी कराई थी इसलिए फेल हुई। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की? अस्पताल में। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पनारी गांव में विगत दिनों गांव के एक युवक की सिर कुचलकर हत्या के मामले में हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रधान बलवंत सिंह उर्फ गड्ढा लगातार फरार बना हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान बलवंत सिंह उर्फ गड्ढा एक बड़ा भूमाफिया है और मजबूर गरीब तबके के लोगों पर अपना रौब झाड़कर इलाके की जमीनों पर कब्जा करता है, हमारी जमीन पर ही वह कब्जा करना चाहता था जिसके तहत उसने हमारे भाई की हत्या कर दी और इधर उधर के लोगों से राजीनामा पर दबाव बना रहा है तथा धमकियां दिलवा रहा है, इसलिए पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है जबकि वह इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। और जो जिले के भ्रष्ट नाकारी अधिकारी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस समाजवादी पार्टी के गुंडों की सरकार नहीं है, इस सरकार में सुधर जाओ वरना हम लोग सुधरना भी जानते हैं। मैं बलवंत सिंह में फिर कह रहा हूँ, आज मेरी ग्राम सभा में, मेरी ग्राम पंचायत में एक एक डेढ़ एकड़ गरीब आदमियों की शहरियों की जमीन। हमारा नाम प्रीतम है, पनारी से आए हैं। 8 तारीख को शाम के 8 बजे 7:30 मर्डर हुआ था मेरे भाई का, अभी तक 4 आदमी पकड़े गए, 4 मेन मुख्य जो ग्राम प्रधान बलवंत सिंह जो भूमि माफिया है, अन्य लोगों की जमीन छुड़ा छुड़ा करके कब्जा कर रहा है, मेरी भी जमीन छुड़ाने की कोशिश की, मेरी भी जमीन से छुड़ाने की कोशिश की तो मैंने अब उनको जमीन ना देने से और ना बात करने से मना किया तो हमारे भाई को जान से मार दिया, बाजार से काम करके आ रहे थे, मर्डर कर दिया उन लोगों ने। अब साफ कौन सुनवाई नहीं हो रही और बलवंत सिंह अभी भी फरार हो। आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की? हमने एसपी साहब को की और सीओ साहब को भी की और कोतवाल साहब को भी की, पुलिस को भी जानकारी है, सबको जानकारी है, एसपी साहब के पास आए हैं अभी हम लोग। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हम लोगों की जान मान की रक्षा की जाए। क्या नाम है दादा? बंदे। कहाँ से आए हैं आप? हम जलालपुर। तो क्या समस्या लेकर आए हैं? हम रोड जो खराब बन गई है, ना तो कौन जाते हैं जो पकड़ के मारो, पैसा मिल जाओ खा ले।
किसने मारपीट किया आपके साथ? बड़े राजा राजा कोई हथियार। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की थी? हमने नायर करी 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 किया। हम एस पी साहब के लगा आए नहीं आए थे। ललितपुर जिले के ब्लॉक बार अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरा डांग स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां उप स्वास्थ्य केंद्र के किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। सफाई के नाम पर ग्राम पंचायत में हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु यहाँ सफाई कर्मी हमेशा गायब रहते हैं और पूरे गाँव की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। आखिर स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाने वालों के खिलाफ कब होगी कार्रवाई और गाँव के लोगों को आखिर कब मिलेगी उप स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ब्लॉक बार से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरें। एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।